अरे वाह मेरी बहना, प्लांट को नहलाया जा रहा है। पर क्या तुम्हें पता है ये प्लांट पानी कैसे पीता है? प्लांट पानी कहाँ पीते हैं दीदी, वो तो रूट से पानी लेते हैं ना। हाँ सही कहा, लेकिन रूट से पानी लेता कैसे है? रूट्स का कोई मुंह होता है क्या जिससे वो पानी पीती होगी? नहीं दीदी, मुझे तो नहीं लगता उनका कोई मुंह होता होगा, वो तो जस्ट ऐसे ही पानी पी लेते होंगे। मेरी चीनू, इस दुनिया में कुछ भी ऐसे नहीं होता है, कोई तो तरीका होगा जिससे रूट पानी पीती हो। बिल्कुल दिल की बात बोल दी सिस्टर, कुछ भी अपने आप नहीं मिलता, हर चीज के लिए मेहनत और कोशिश करनी पड़ती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आप ही बता दो। रूट्स भी उसी प्रोसेस से पानी पीती है जिस तरीके से अभी मैंने तुम्हें किशमिश से समझाया था। यहाँ भी पानी कम सल्यूट वाली जगह से ज्यादा सल्यूट वाली जगह की तरफ जाता है। कैसे? अभी दिखाती हूँ मैं तुम्हें, आओ। दीदी आप क्या बना रही हो? अभी 2 मिनट रुक जा, दिखाती हूँ। अब ये देखो, प्लांट्स की रूट कुछ इस तरह दिखती है। इन रूट्स के अंदर ज्यादा सल्यूट वाला पानी होता है और इन रूट्स की बाउंड्री सेमी परमीएबल होती है। ओके फिर? तो फिर जब हम मिट्टी में पानी डालते हैं तो वो पानी कम सल्यूट वाला होता है और इस कारण वो रूट्स की सेमी परमीएबल बाउंड्री से होते हुए रूट्स के अंदर पहुंच जाता है। वाओ दीदी ये तो बहुत कूल है। हाँ सो तो है, पर दीदी मुझे एक बात बताओ, अगर मैं प्लांट्स को नॉर्मल पानी ना देकर बहुत सारा शुगर वाला पानी दूं तो क्या रूट्स पानी नहीं ले पाएंगी? ऐसा जुल्म मत करना बेटा, हमें डायबिटीज हो जाएगा। हाँ अगर तुम बहुत सारी शुगर वाला पानी देती हो तो रूट्स के बाहर ज्यादा सॉल्यूट वाला पानी हो जाएगा और अंदर कम, तो इसके कारण पानी रूट्स के अंदर जाने के बजाय बाहर आने लग जाएगा। ओ दीदी फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ इसीलिए प्लांट्स को कभी ज्यादा शुगर वाला या ज्यादा सॉल्ट वाला पानी नहीं देना चाहिए, इससे प्लांट मर भी सकता है, जैसे कि स्लग यानी कांतर के साथ होता है। अच्छा कांतर में भी कम सॉल्यूट और ज्यादा सॉल्यूट वाला चक्कर होता है? हाँ। पर कैसे दीदी? अभी बताती हूँ कैसे। अरे वाह कमाल है ऑस्मोसिस का, जो इन प्लांट्स को पानी पीने में मदद करता है। लेकिन दोस्तों ये नमक ऐसा क्या करता है जो प्लांट्स के साथ साथ छोटे छोटे कातर को भी नुकसान पहुंचा देता है? जानने के लिए देखते हैं हमारी अगली कॉन्सेप्ट फिल्म।